फेस्टिवल ही बोलोगे, वो मेरे लिए तो मेरा फेस्टिवल ही है, बताना जरूर, अभी आने वाला है। और अभी मुझे बाहर जाना है एक इम्पोर्टेंट काम के लिए, बताती हूँ। लेकिन अभी पूरा बारिश शुरू हो गया और पूरा भर गया पानी, और सांतनु ऑफिस गाड़ी लेके गई, और आज खाना भी नहीं बनाया सुबह से, मन नहीं था, बताती हूँ है ना। ये बात स्वीटी क्या कर रही थी, चॉपस्टिक से खाना खा रही, चॉपस्टिक से खाना खा रही, और मैं वही कल का जो भगवान के लिए बनाया था ना, वही थोड़ा सा रह गया था। पता नहीं आज क्यों खाना बनाने का उतना मन नहीं कर रहा था, मतलब होता है ना, आप समझ सकते हो, मतलब रोज इतना अच्छा अच्छा खाना बना रही थी भगवान के लिए, उसके बाद वो जगह खाली खाली लग रहा ना, तो एकदम अच्छा नहीं लग रहा, और खुद के लिए अलग से बनाने का कुछ मन नहीं कर रहा था। पुलाव सिटी अपना राइस चॉपस्टिक से खा रही है राइस। अभी मैं बाहर जा रही हूँ क्योंकि डॉक्टर के पास जाना है, और मेरा जो पहले डॉक्टर था ना वो छोड़ दिए, मतलब उन्होंने खुद अलग से प्रैक्टिस कर रहे, वो केरला चले गए, और ये नया डॉक्टर है, ये मंथ में एक बार आता है, तो ये सैटरडे संडे आएगा। मैं देखो लिपस्टिक भी लगाएंगी, नहीं थोड़ा सा तो लिपस्टिक बनता है, नहीं तो अजीब लगता है। और नीचे का हालत दिखाती हूँ, तो आप लोग कहोगे पहले लिपस्टिक लगा लो, देखो कितना जल्दी लिपस्टिक लगाऊंगी, सोच लो कैसा लगाऊंगी। In the beginning it was like... हो गया, लिपस्टिक लगाने से फेस का थोड़ा लुक तो चेंज होता है ना, मतलब कुछ भी ना लगाओ, पाउडर भी नहीं लगाया आज, इतना जल्दी जल्दी कर रही हो ना, हो गया। तभी सुनीता गई ना, सुनीता मुझे खिड़की से दिखा रही है, आ जाओ नीचे, मैं बोला हाँ आना तो है ही मुझे ना, अभी 3 बज रहा है, शांतनु गाड़ी लेके गए, मुझे ऑटो ढूंढना है, लिपस्टिक कराना चाहिए बैग के अंदर, क्यों छाता, स्वीटी का छाता जिसमें डंडा नहीं है, ठंडा पानी है, ये तो वो स्वीटी का साइकिल ही है, यहाँ पे पड़ा हुआ है बेचारा, चो 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 चो, दादा छाता तो खुली, अरे ए दादा भिजे जाबो गाड़ी, अरे এটা ধরতে পারবি আমাকে, ওইটা দে ফেলে দিই তো। But as we dove in deep, the water turned cold. Yeah, we have different dreams, so we can never grow. Yeah, as we dove in deep, the water turned cold. এই ছোটটা লাগা পড়া সিজাকটা ছোটটা চলে গেছে, চপ্পল খোল দাঁড়া উঠা, पूरा भीग गई मैं, पूरा मेरा नीचे एकदम जो ड्रेस है ना नीचे से एकदम पूरा एकदम गीला गीला जैसा लग रहा है। और मैंने आज कॉटन कॉटन जैसे ड्रेस पहना है, कॉटन का ड्रेस बारिश में नहीं पहनना चाहिए, और मैं दौड़ी लगी में पहन के आ गई, सुखते नहीं पानी होता है हमारी जिंदगी, लेकिन कभी कभी जिंदगी में जिंदगी का रुका देता है, तो वो पूरा ऑटो वाला आने के लिए तैयार नहीं है, मतलब 15 से 20 मिनट में खड़ी थी, उसके बाद एक ऑटो मिला। पिछले 1.5-2 घंटे से यही फंसे हुए हैं, क्या करे, देखो ये संजय गांधी नेशनल पार्क के सामने सामने, संजय गांधी नेशनल पार्क के ये एरिया के आसपास, पूरा बहुत बड़ा है, तेंदुआ रहता है, तेंदुआ ऐसा नहीं दिखता है, वो जंगल जो मेन जंगल होता है वहाँ पे रहते हैं, वो काफी बिग एरिया पे, तो
तो और अभी हम लोग 5:02 फंसे हुए हैं बीच रास्ते पे, बोरीवली ना बेटा, बोरीवली में। और बाप रे कितना ट्रैफिक है, सोई हुई सिटी का पीछे का देखो, बेड देखो, छाता है, काफी सारी चीजें है यहाँ पे, सिटी का बेड है। और डॉक्टर दिखाना हो गया, रात भी हो गया, मैं एज यूजुअल अपनी जो ड्राइविंग सीट में आ गई, उधर बैठे बैठे ना वॉमिटिंग जैसा लग रहा था, मेरा पेट में दर्द हो रहा था। और शांतनु भी ऑफिस से मतलब पूरा दिन बेचारा थक गया ना। और सारे देखो देखो फेस्टिवल फेस्टिवल लग रहा है, देखो कितना सुंदर। अरे दादाजी को देखो गप्पे कर रहे, दो दादाजी गप्पे कर रहे। Somewhere above the city lights, you're falling in love. Still aware, you know it is true. You were lost, and this is a clue. Love is forever. चाय बना रही हूँ और रात का खाने के पता नहीं, अभी 9:30 बज चुका है, क्योंकि सुबह में तो मैं खाना बना के नहीं जा पाई। सुबह में आज का जो वीडियो गया था ना वो एडिट किया, और जैसा थकान जैसा होता है ना, थोड़ा सा थकान नहीं लग रहा, थकान से ज्यादा सड़सन लग रहा था। और अभी तो वही लाइफ बैक टू रूटीन आ रही है, ऑन द कार पूरो। ये जगह कितना खाली खाली लग रहा है ना, सुना सुना कुछ अजीब जैसा। यहाँ पे मैंने बर्तन सब धो के रख दिया, ये कुछ बर्तन है, दिया वगैरह आज हाथ नहीं लगाया। अब मुस्क जी देखो, इसको देख के बेचारे को लग रहा है ना बेचारा है। स्वीटी ने उसके सर के ऊपर क्या दिया, क्या कर रहे, स्वीटी भी पूजा कर रही थी उसका, खाली खाली जैसा लग रहा है। यहाँ पे सब चीजें है, कल मैंने उठाया नहीं तो बोलते कल नहीं उठाते, रख देना है। तो आज मुझे सुबह से तो टाइम नहीं मिला, अभी है, अभी उठाऊंगी, क्योंकि अच्छा नहीं, सारे निकालना पड़ेगा तभी अच्छा लगेगा, नहीं तो वो जगह रहता रहता है ना तो कुछ खाली खाली खाली। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है लाइक करो, पिछले कुछ वीडियोस में लाइक कम आया क्योंकि मैं बोलना भूल गई, और बोला भी तो लास्ट में, सबको तो याद नहीं रहता। अभी वीडियो देखो साठ सिंपल वाला, जैसा आफ्टर पूजा या जो भी फेस्टिवल तो उसके बाद जो वीडियो होता है ऐसे ही सिंपल सा होता है। देखो चाय का कलर अच्छा बन गया, फ्रेश हो गया, फ्रेश नहीं हुआ नहीं। कुछ बोलता ना मैजिक कर लिया खुद को थोड़ा ऐसा नहीं फ्रेश हुआ, हाथ पैर अच्छी तरह से धोया, हाइजीनिक हुआ, कब का हो चुकी थी। और यहाँ पे मैजिक दिखा रही हूँ, ये है, ये आपको दिख रहा है गाजर नहीं बीट वाली पराठा, ये मैजिक से बन गया। कैसे मैजिक से बना आप लोग सोचो और मुझे बताना जरूर कैसे मैजिक से बना। वहाँ पे एक बकेट बर्तन भी मैंने धोया है, हाँ मैंने धोया है, थोड़ा तो क्रेडिट ले सकती हूँ, खुद का बर्तन है, खुद को धोना पड़ेगा। ये रात का बर्तन मैं धो के रखती हूँ क्योंकि सुनीता काफ़ी लेट करके आती है, तो एक बकेट तो होता ही है, फुल बकेट। कुछ सब्जियाँ लाई थी, वो कल की वीडियो में कुछ स्पेशल बनाऊंगी जो अभी तक मैंने शेयर नहीं किया, तो वो कल की वीडियो में देखना। यहाँ पे ढेर सारे मेडिसिन है, मेडिसिन कुछ चेंजेस हुआ है। हाँ मेरी डॉक्टर के बारे में मैं जब ठीक हो जाऊंगी जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि ये काफ़ी बोलता ना रिक्वेस्टेड वीडियोज में एक होगा, अगर मतलब प्रॉपर सब कुछ ठीक हो गया। क्योंकि जो डॉक्टर मैं अभी दिखा रही हूँ, इनके पास फर्स्ट टाइम दिखा रही हूँ, उनका एक ग्रुप है, लेकिन डॉक्टर चेंजेस होता रहता है, फूड भी इस तरह से चेंजेस होता है, तो आयुर्वेदिक का अलग अलग मतलब रहता है, उतना मैं डिटेल्स में नहीं बता पाऊंगी, ना मुझे भी पता है। कुछ भी चीजें शेयर करने से पहले मुझे तो पहले सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए ना, सोच समझ के शेयर करना पड़ता है, तो आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स को समझोगे। आज एक चीज लाया, अरे गणपति जी का लास्ट डे है ना, तो मतलब लास्ट डे नहीं मैंने अरे सैड डे है, तो गणपति जी का फेवरेट चीज है मोदक आते समय, क्योंकि ये सिर्फ गणपति के टाइम ही मिलता है, इस टाइप का होता है ये, लेकिन हाथ से बनाया हुआ प्रॉपर अच्छी वाले मोदक है। मोदक दिख रहा है, ये उड़ची उड़ची रखी वाले उड़ची उखड़ाची हाथ दिए उखड़ना छाछटे रखू है ना, अच्छा छाटा देखा तुमको उखड़ाची, मैं तो उड़ची मोदक बोलती हूँ, उड़ची या उखड़ाची, सांतर बोलते हैं उखड़ाची बोलते हैं, अभी जो भी है करेक्शन कर देना आप सब। दिख रहा है आपको एकदम प्रॉपर हाथ से बनाते हैं ना, तो ऐसे ऐसे दब मतलब टैंग 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 कुछ तो करते हैं, और जो मेरा इतना अच्छा नहीं होता, मेरा तो ऐसे करके बन जाते हैं। तो ये मैजिक को खाया जाए क्योंकि हॉल पे तो जगह नहीं है। ओ हो हाँ सुनी बोले थिंक 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 करके
बताओ मैजिक कैसा बना है? एक डब्बा मैजिक, डब्बे क्या मैजिक, वो भी धुआं के साथ। हेलो फ्रेंड्स, और आज है नेक्स्ट डे, आज संडे है और मैं कल और वीडियो को कंटिन्यू एकदम भी नहीं कर पाई क्योंकि मेरा आने के बाद तबीयत उतना ठीक नहीं लग रहा था। पूरा ये शोल्डर पे पेन हो रहा है और थोड़ा सा बोलता है ना, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस जैसा लग रहा है। लेकिन ये जगह जो है ना, इसको आज तो जैसे भी करके है समेटना तो है ही। और यहाँ पे कपड़ा जो है ये सारे सूखने के लिए अभी दिया है और अभी शाम के 8:30 बज रहा है। हाँ, ये दिया के बारे में कुछ क्वेश्चन आया था। ये दिया कैसा है? ये दिया इस टाइप का है, बोरोसिल का है, इस टाइप का बोरोसिल का ग्लास लगाया रहता है। ये अगर मुझे ऑनलाइन पे लिंक मिले तो मैं देने की कोशिश करूँगी। बहुत अच्छा है ये, शायद 12 घंटे ऐसा कुछ जलता है। और ये तो पूजा की जो भी सामान है अभी यहाँ पे रखूँगी, पूजा के रूम पे रखूँगी। ये देखो चूहा बेचारा यहाँ पे है, स्वीटी उसको हल्दी कुमकुम सब कुछ लगा रही है। और यहाँ पे भगवान का थोड़ा मिट्टी ला के रखना पड़ता है, ये रख दूंगी अभी कुछ देर। कुछ नियम मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ, जितना जानती हूँ उतना ही कर पाती हूँ। ये जो है ना, ये भगवान जी को पहनाया था ना, तो ये मैंने वहाँ पे डस्टबिन रहता है अलग से, जहाँ पे भगवान का सामान वो सब फेंकना होता है, लेकिन ये मैंने रख लिया। सजावट के हिसाब से रखूँगी, अभी तक मैंने सोचा नहीं है क्या करूँगी। ये प्लेट के अंदर रखती हूँ ताकि सब कुछ इजी रहेगा। प्रसाद भी है यहाँ पे, कल से बोला ना मैं कुछ उठाई तक नहीं, सब धोने का है मैक्सिमम चीज़ें, तो आज तो नहीं करूँगी, आज सिर्फ उठा के रख रही हूँ। और ये सब जो फ्लावर है ना, ये मैं मिट्टी में दे दूंगी तो कॉम्पोस्ट भी जैसा बन जाएगा। ये डस्टबिन का जो पॉलीथीन है ना, ये पॉलीथीन नहीं है, ये बायोडिग्रेडेबल है, तो मैं ज्यादातर बायोडिग्रेडेबल। हाँ, इसका डिटेल्स मैं कमिंग एक शॉपिंग ब्लॉग आएगा उसमें आएगा। ये ऑर्किड अगर आप अच्छी तरह से पानी में रखेंगे ना, 15-20 डेज आराम से रहते हैं, तो मैं उतना ज्यादा पानी इस बार उतना ध्यान नहीं दे पाई थी और कल भी पानी नहीं दे पाई थी, इसलिए कुछ कुछ खराब हो गया। और इस बार बारिश भी है ना, थोड़ा मॉइस्चर टाइप का ज्यादा वेदर है। But I would never, ever, ever would believe them, no reason. वहाँ पे बांध के रखा था by chance, ऐसे करें क्योंकि फूल था ना काफी हेवी हो गया था, इसलिए जो बाहर का ग्रिल है ना उससे बांध के रखा था, गिर ना जाए by chance। Hey, I wish you could see yourself just sitting there on my chair. दिया लेकिन बहुत अच्छा है, आप फैन चला के रखो भी तो भी बुझता नहीं है, एक बार जला दो ना तो शायद 8-9 घंटा। मैं रात को एक बार घी दे देती थी सुबह 12 बजे। हाँ, 12 घंटा ना, ऑलमोस्ट 10 घंटा तो आराम से चल जाता है। Oh baby, I love your madness. It's so incredibly beautiful. और ये सब करके पानी में रख दिया, अभी काफी देर रहेगा पानी में। और ये ऐसे ही देखने में अच्छा लग रहा है ना, फ्लावर बहुत सुंदर लगता है। मैंने कुछ लगाया भी नहीं, पाउडर भी नहीं लगाया, और होता है ना टायर्डनेस थोड़ा सा लग रहा है। और ये सारे जो बर्तन है अभी यहीं पर रख रही हूँ, आज तो कुछ नहीं कर पाऊंगी, ये भी कल सुबह मैं देखती हूँ धोती हूँ, इसलिए यहाँ पे रख रही हूँ, नहीं तो याद नहीं रहेगा इसमें। पहले थोड़ा किचन साफ ना रहे ना तो अच्छा नहीं लगता। और मैंने मेरा खाना भी आज जल्दी करके मैंने खा लिया था, और कीड़े भी आवाज़ कर रहे हैं। और किसने अभी तक स्वीटी का डांस इंस्टाग्राम पे नहीं देखा है, ओरिजिनल ट्रैक वहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे देखो कुछ हो गया, किसी ने अगर मिस कर दिया तो जरूर देखना। हाँ, स्वीटी ने इस बार उतना अच्छा डांस नहीं किया क्योंकि
उसको डॉक्टर ने टोटली मना भी किया था, बोला था कोई भी एक्टिविटीज या कोई भी मतलब होता ना जिसमें आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए वो सब काम ना करे। सिटी मुझे बोल रही थी मैं एक दिन करूँ स्वीट, मतलब 3 या 4 दिन सर के पास किया था, उसके बाद घर पे भी परफॉर्मेंस था उसी दिन किया था, बाकी अदरवाइज नहीं किया था। लेकिन उसने बोला था जो एक बार करूँ ना, जैसे भी कर रही हूँ सबके सामने कर रही हूँ, इसलिए उसका एक्सप्रेशन या कुछ भी उतना अच्छा नहीं हुआ। लेकिन मैंने बोला था ठीक है, कर रहा है तो करने दो, मतलब ऐसा होता ना परफेक्शन होना तो जरूरी नहीं है ना, कर रहा है वही सबसे ज्यादा अच्छी बात है। काफी सारे गलतियां उसने किया है, खुद भी उसको पता है, लेकिन वो मजे के हिसाब से जो एंजॉयमेंट के हिसाब से कर रहा है। तो अगर किसी ने मिस कर दिया इंस्टाग्राम पे तो जरूर देखना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ता है, उसका लिंक नीचे दिया रहेगा। सिटी का तबीयत खराब था, क्या था क्या हुआ था वो कमिंग ब्लॉग में मैं जरूर शेयर करूंगी। जो भी बेडशीट वगैरह है वो मैंने अभी वॉशिंग मशीन के ऊपर रखा है, वो कल धोंगी आज नहीं धोंगी, क्योंकि वो सेपरेट सेपरेट करके धोना पड़ेगा। जो लाल वाला कपड़ा है वो भी सेपरेट करके धोना पड़ेगा क्योंकि कलर उठता है। हाँ, थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत है, आज कल रेस्ट कर नहीं, कल तो स्वीटी का स्कूल भी है, वो सारा तो है। अभी स्वीटी भी इतना दिन छुट्टी में थी ना, तो करना तो पड़ेगा स्कूल जाना। कुछ फिर ने पूछा था, बोला था, मतलब शायद उनको पता नहीं है, आप गणपति अगर इको फ्रेंडली करते या आपके वहाँ पे जो भी इको फ्रेंडली होता तो अच्छा होता, पेपर प्लेट ये सब वगैरह होता तो अच्छा होता। सारे इको फ्रेंडली है, हमारे नीचे जो खाना हो रहा था सारे पेपर प्लेट है, और जो हमारे नीचे का गणपति है वो भी इको फ्रेंडली है। मतलब कैसा लगा हमारे ये 4 दिन? अभी तो और भी कुछ है, और भी कुछ फेस्टिवल है, एक फेस्टिवल अभी आने वाला है। बताओ कौन सा फ्रेंड्स, मतलब मैक्सिमम फ्रेंड्स को पता है फेस्टिवल ही बोलोगे, वो मेरा लिए तो मेरा फेस्टिवल ही है, बताना जरूर अभी आने वाला है। हमारे फेस्टिवल या हमारे जो भी मैंने शेयर किया कैसा लगा ये 5 दिन का जो व्लॉग है आज, इसलिए व्लॉग नहीं डाल पाया, एडिटिंग नहीं हुआ था, मुझे सुबह में नहीं हो पा रहा था, बोला ना प्रेशर भी लो हो चुका है काफी, मतलब काफी लो ना प्रेशर, एक्चुअली लो प्रेशर की तरफ ही है क्योंकि मेरे मम्मी का भी लो प्रेशर होता है ना, किसी किसी का टेंडेंसी होता है, लेकिन इतना फ्लक्चुएट नहीं करते, इस बार बहुत फ्लक्चुएट किया। तो डॉक्टर ने बोला फूड वगैरह ठीक तरह से, और मेडिसिन भी मैंने ठीक तरह से 4 दिन नहीं लिया था। बस आज का वीडियो मैं यही पेंट करूंगी, अभी मिलेंगे कल के और एक इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय फ्रेंड्स, bye bye, love you, bye. अरे भोंदू को तो देख लो, कितने दिन गणपति में, भोंदू भी सोच रहा है गणपति जी है जब से आए हैं, भोंदू तो दिखे नहीं, भोंदू को ना बेचारे को दिखाते हैं, बेचारे को थोड़ा बहुत इज्जत भी नहीं देते। नहीं नहीं भोंदू अच्छा है, बच्चा है ना, अच्छा बच्चा। ड्रेस चेंज करना पड़ेगा, कब से गंदा वाला ड्रेस पहना, अरे ये वाला गंदा वाला बच्चा को देखो।